तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल पर आज के वीडियो मैं ये जो एलजी का टीवी होता है, ये टीवी का एक प्रॉब्लम मैं टीवी ऑन करने का बाद देखता हूँ कि टीवी का अंदर एक टिक टिक आवाज़ निकलता है। तो दोस्तों, ये जो टिक टिक आवाज़ होता है, जो वॉच का जो कांटे होता है वो घूमने का समय जो टिक टिक आवाज़ होता है निकलता है, तो इसी तरह ये आवाज़ निकलता है। तो मैं आवाज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आवाज़ बहुत ही कम है, तो इसलिए आप को सुनाने के बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ठीक है, मैं एक बार ये मॉडल नंबर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो ये टीवी का जो मॉडल होता है। लेकिन इस टाइप प्रॉब्लम बहुत कुछ टीवी का ऊपर होता है, ये टिक टिक जैसा आवाज़ होता है, एक्चुअली आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने के लिए प्रॉब्लम होता है। तो मैं टीवी को ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैं टीवी को मैं बैक कवर ओपन कर दिया है, और दोस्तों ये मैं पार्टी के घर पर ही रिपेयर कर रहा हूँ। तो बहुत कुछ धूल देखा जाता है, कि जो मिट्टी होता है ये थोड़ा सा साफ़ करना होगा। तो मैं ये थोड़ा सा साफ करने का बाद ये पीसीबी का जो वायरिंग होता है मैं पूरा ओपन करूँगा। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है ये शॉर्ट हो गया है। तो दोस्तों, ये टिक टिक आवाज़ अंदर से जब निकलता है तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि आउटपुट ट्रांजिस्टर ही शॉर्ट है। और दोस्तों, ट्रांजिस्टर का पास एक पीएफ होता है, कभी कभी सेट पर देखा जाता है, तो वो पीएफ शॉर्ट होने के लिए ये टिक टिक आवाज़ निकलता है। तो एक्चुअली जो 110 वोल्ट लाइन होता है, वो 10 वोल्ट ESD का पास जाने का बाद जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का पास जाता है, वो सेक्शन जो शॉर्ट हो जाने के लिए इस तरह टिक टिक आवाज़ निकलता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मीटर को मैं बार्जर रेंज पर रख देता हूँ, और उसका बाद दोस्तों एक बार देख लीजिए, मैं बार्जर रेंज पर मीटर को रख दिया है, और एक बार देख लीजिए जो आउटपुट सप्लाई होता है ESD से, जो आउटपुट निकलता है आउटपुट ट्रांजिस्टर पर जो BU होता है, दोस्तों एक बार देख लीजिए। ये मैं बार्जर मोड पर मैं टेस्ट करता हूँ, दोस्तों देख लीजिए इस पर जो शॉर्ट कंडीशन ये दिखाएगा, क्योंकि इस पर एक डाइवर्ट ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर का कॉयल है। तो ये कॉयल इस तरह मीटर पर शॉर्ट दिखाएगा, तो दो पिन शॉर्ट होगा। और दोस्तों, ये मिडिल पिन से ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन होता है, ये मिडिल पिन से कोई भी एक पिन को शॉर्ट दिखाएगा, तो आपको कन्फर्म होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। तो दोस्तों, कभी कभी देखा जाता है कि ESD भी शॉर्ट हो सकता है, और ये सेक्शन पर एक बूस्ट PF होता है, जो 1600 वाला PF, ये भी शॉर्ट हो सकता है। तो इसलिए मैं ये ट्रांजिस्टर को एक बार ओपन करूँगा, ओपन करके एक बार देखूँगा कि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ठीक है, चलिए मैं ट्रांजिस्टर को मैं ओपन कर दिया है। ये पूरा ओल्ड पुराना ट्रांजिस्टर होता है, ओल्ड ट्रांजिस्टर, और ये मैं बार्जर रेंज पर मैं रख दिया है मीटर को, और बाहर से एक बार देख लेता हूँ। तो दोस्तों एक बार देख लीजिए, ये जो ट्रांजिस्टर होता है, ये दो पिन को दोस्तों अब देख लीजिए शॉर्ट देखा जाता है। ठीक है, और मिडिल पिन का साथ एक बार देख लीजिए कि ये ट्रांजिस्टर ये पिन का साथ शॉर्ट हो गया है। तो उल्टा करके एक बार देखा देता हूँ कि ये दो पिन, ये पिन भी शॉर्ट है, और मिडिल पिन दोस्तों देख लीजिए, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया है। तो दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर का जो नंबर होता है, एक बार देखा देता हूँ कि, और एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ कि ट्रांजिस्टर पूरा ही शॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का बहुत रीज़न होता है, इसका बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, और ये प्रॉब्लम जो होता है ये मैं क्लियर करके मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इस टाइम एक बार देख लीजिए, जो ट्रांजिस्टर का पोजिशन होता है ये शॉर्ट नहीं है, ये शॉर्ट ओपन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी का टाइम शॉर्ट देखा जाएगा, तो आपको ESD प्रॉब्लम हो सकता है, और बूस्ट पे भी ख़राब हो सकता है, ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइम बूस्ट PF और ESD शॉर्ट नहीं है, और दोस्तों ये दो पिन शॉर्ट दिखाएगा कि इस
पर जो डाइवर्ट कॉइल होता है इसी कारण से शॉर्ट दिखाएगा। मेरा पास एक आउटपुट ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर है 1803। तो ये ट्रांजिस्टर मैं इस सेक्शन पर लगाऊंगा कि ये नॉर्मल कि ये कॉइल होता है, और इस पर जो ट्रांजिस्टर था TT, दोस्तों आप देख सकते हो, मैं क्लियर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक बार देख लीजिए TT 2140, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर था। तो इस सेक्शन पर ये ट्रांजिस्टर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फाइनली ये ट्रांजिस्टर मैं लगा दिया है, और दोस्तों उसका बाद एक बार ट्रांजिस्टर को लगाने का बाद एक बार दिखा देता हूँ कि अब देख लीजिए ये जो तीनों टंग मैं कलेक्टर पिन से और अलग अलग पिन का साथ मैं दिखा देता हूँ कि शॉर्ट नहीं है। तो ट्रांजिस्टर जस्ट मैं ट्रांजिस्टर लगाया, तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर लगाने का बाद आपको ध्यान देना होगा कि ESD ख़राब हो सकता है और योक जो कॉयल होता है ये ख़राब हो सकता है, और दोस्तों ये जो बूस्ट PF होता है ये ख़राब हो सकता है। तो इसी के लिए मैं जब लाइन देगा तो साथ साथ आउटपुट ट्रांजिस्टर फिर भी काट जाएगा। तो दोस्तों इसलिए मैं ये जो योक कॉयल का जो कनेक्शन होता है मैं ये ओपन काट देता हूँ, क्योंकि योक कॉयल शॉर्ट होने के लिए आउटपुट ट्रांजिस्टर काट जाएगा, लेकिन जब मैं ये ओपन कर देगा तो उसका बाद लाइन दे के देखूँगा कि आउटपुट ट्रांजिस्टर काटेगा कि नहीं काटेगा। तो इसका बाद मैं जब लाइन देगा उसका बाद ट्रांजिस्टर साथ साथ काट जाएगा, तो आपको कॉन्फर्म होना चाहिए कि बूस्ट PF ख़राब हो सकता है और ESD भी ख़राब हो सकता है। तो ठीक है, मैं इंडिकेटर को फॉलो कीजिए, मैं सेट पर लाइन दे देता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा रुकिए, मैं सेट पर लाइन दे देता हूँ और इंडिकेटर को फॉलो कीजिए। इंडिकेटर साथ साथ ऑफ हो जाएगा, तो आपको कॉन्फर्म होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर फिर भी काट गया है और टिक टिक आवाज़ भी फिर भी निकलेगा, ठीक है। तो मैं सेट पर लाइन दे दिया है और पावर स्विच मैं ऑफ हो गया, तो इसलिए मैं फिर भी ऑन करता हूँ। तो दोस्तों पावर इंडिकेटर जल रहा है, तो लगता है कि ESD ऑन हो गया। तो इसी के लिए कॉन्फर्म होना चाहिए कि ESD भी ओके है, बूस्ट PF भी ओके है। तो इसके बाद कुछ टाइम ये PCB को ऑन करके रखना ज़रूरी, कि इसके बाद आपको देखना होगा आउटपुट ट्रांजिस्टर ओवरहीट होता है कि नहीं। तो दोस्तों ओवरहीट होगा तो आपको कॉन्फर्म होना चाहिए कोई भी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम के लिए कुछ कुछ टेक्नीशियन मेन पावर AC सप्लाई जो होता है उस पर सीरीज यूज़ करना चाहता हो, तो दोस्तों ये अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। सीरीज करेगा तो तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं कुछ टाइम चलाने के बाद देखा है कि इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर नॉर्मल हीट है, तो और इसका जो पैनल बॉटम कोई दबाने का ज़रूरत नहीं है, अपने से ही ESD ऑन हो जाता है, इस टाइप PCB होता है, तो ठीक है। तो सब कुछ ये आउटपुट ट्रांजिस्टर नॉर्मली है। तो मैं पावर कॉर्ड को ओपन करने का बाद ये जो कॉर्ड मैं ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों ये ओपन करने का बाद जो योक कॉइल का वायर मैं ओपन करके रखा है वो भी एक बार कनेक्शन कर देगा, क्योंकि योक खराब होने के लिए भी आउटपुट ट्रांजिस्टर काट सकता है। तो इसलिए जो योक वायर को मैं ओपन करके रखा है, मैं कनेक्शन करके एक बार लाइन देगा, तो देखेगा कि उसका बाद TV ऑन हो जाएगा तो अच्छा है, और ये आउटपुट ये योक कॉइल शॉर्ट होगा तो आउटपुट ट्रांजिस्टर काट जाएगा। इस तरह आपको एक एक करके कंफर्म होना चाहिए, तब भी ये प्रॉब्लम को आप सब काट पाओगे, ठीक है। तो मैं ये कॉइल में कनेक्शन काट दिया, ये कॉइल का जो कनेक्टर वायर, और उसका बाद में लाइन देगा और इंडिकेटर को एक बार फॉलो कीजिए। तो दोस्तों शॉर्ट हो जाएगा तो ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो इंडिकेटर स्टॉप हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिए पावर इंडिकेटर जल रहा है, तो ये तो ऑटोमेटिक ESD ऑन हो जाएगा, तो लगता है कि TV ऑन हो गया है, ठीक है। मैं TV को फ्रंट साइड में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए TV ऑन हो गया है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अपना है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो दोस्तों ठीक है, मैं TV को फिट कर देता हूँ। तो कंप्लीट फिट करने का बाद
देख सकते हो इसका जो पिक्चर, ये ओके है। और दोस्तों ये मैं पार्टी का घर पर ही रिपेयर कर रहा हूँ, इसलिए जो वोल्टेज और थोड़ा सा बहुत कुछ क्लियर करके देखने की कोशिश किया, लेकिन मैं ये पार्टी के घर पर ही है तो इसलिए मैं वोल्टेज नहीं देखा है। लेकिन मैं मेरा चैनल पर अलग अलग बहुत वीडियो है, उस पर वोल्टेज के बारे में बहुत कुछ क्लियर करके वीडियो बना के रखा है। तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। और दोस्तों अब जब कमेंट करें, कमेंट का अंदर अब कमेंट मत कीजिए, क्योंकि मेरा पास साथ साथ नोटिफिकेशन नहीं आता है। और जब कमेंट करें तक न्यू कमेंट कर दीजिए। और बहुत कुछ लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग जो डिस्कस सीआरटीवी फॉल के बारे में डिस्कस करना चाहता हो तो लिंक पर डिस्क्रिप्शन का अंदर मेरे फेसबुक पेज का एक लिंक है, आप वो लिंक पर आ सकते हो। उस पर आप कोई भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हो और आपका प्रॉब्लम का पिक्चर और वीडियो भी आप सेंड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों।